कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिल सके। अब इन्वेस्टिगेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना सिंह, आज की ताजा एवं खबरों के साथ जिला बुरहानपुर से हमारे संवाददाता फिरोज खान की खास रिपोर्ट। एंकर आबकारी विभाग में पदस्थ उप निरीक्षक RS तिवारी द्वारा पत्रकारों से अभद्र व्यवहार करने के विरोध में पत्रकार क्रांति संघ ने दिया ज्ञापन। कलेक्टर SP ने ढाबों पर अवैध शराब बिक्री को लेकर कार्रवाई के तुरंत दिए निर्देश। BO बुरहानपुर शहर के शाहपुर क्षेत्र में ढाबों एवं होटलों पर अवैध रूप से शराब की बिक्री का कवरेज करने गए शाहपुर पत्रकार अनिल महाजन एवं गणेश गहलोत के साथ आबकारी विभाग में पदस्थ उप निरीक्षक RS तिवारी द्वारा अभद्र व्यवहार करने एवं कवरेज से रोकने के विरुद्ध स्वरूप आज पत्रकार क्रांति संघ जिला उमेश जंगाले के नेतृत्व में पत्रकारों ने जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह एवं पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा को ज्ञापन सौंपा एवं दोषी अधिकारी और अवैध रूप से ढाबे एवं होटलों पर बेची जा रही शराब एवं प्रतिबंध लगाकर दुकान संचालकों पर कार्रवाई करने की मांग की। अध्यक्ष उमेश जंगाले ने बताया कि जिले में धल्ले से ढाबों एवं होटलों पर अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, लेकिन आबकारी विभाग की उदासीनता एवं लापरवाह ढाबा संचालकों से साठगांठ व किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहे है, जिससे अवैध शराब विक्रेताओं के हौसले बुलंद है। शराब की लत से युवा पीढ़ी नशे का शिकार हो रही है। लोगों के घर में कलह झगड़े होने की वजह से भी शराब ही है। संरक्षण महेश मावले ने बताया कि इच्छापुर रोड पर स्थित चापुरा में होटल कमल राज ढाबा पर अवैध शराब की बिक्री के विरुद्ध शाहपुर के पत्रकार अनिल महाजन एवं गणेश सिंह गहलोत द्वारा CM हेल्पलाइन में दिनांक 5/10/2020 की को शिकायत एवं दर्ज कार्रवाई की थी। उसी शिकायत के आधार पर आबकारी विभाग ने पदस्थ उप निरीक्षक RS तिवारी ने अनिल महाजन को दिनांक 6/10/2020 को शाम से फोन कर इच्छापुर रोड स्थित होटल कमल राज ढाबा पर अपने सरकारी वाहन से चलने पर दबाव बनाया और CM हेल्पलाइन में की गई शिकायत को काटने को कहा। अधिकारी की यह बात सुनकर पत्रकार अनिल महाजन ने उन्हें शिकायत काटने से साफ इनकार कर दिया और उनके वाहन से भी जाने से मना कर दिया और कहा कि हम अपने स्वयं के वाहन से ढाबे पर साथ चलते हैं। ढाबे पहुंचते ही आबकारी अधिकारियों ने ढाबा संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वहां कवरेज करने के लिए मौजूद पत्रकार अनिल महाजन एवं गणेश गहलोत से अभद्र व्यवहार कर उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। कलेक्टर प्रवीण सिंह, अध्यक्ष उमेश जंगाले, देखते रहे इन्वेस्टिगेशन 24। देखिए, शाहपुर में ढाबे और होटलों पर अवैध रूप से शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है, जिसके विरोध में हमारे शाहपुर पत्रकार अनिल महाजन और गणेश गहलोत द्वारा 181 पर शिकायत दर्ज की थी। उसी शिकायत के आधार पे आबकारी में पदस्थ RS तिवारी जी करके कोई वहाँ जांच करने पहुँचे थे, लेकिन जांच करने के बजाय उन्होंने कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने पत्रकारों के साथ में वहाँ अभद्र व्यवहार करा और ढाबे और होटलों पे जो अवैध शराब बिक्री है उन पर कार्रवाई करने के बजाय वो लोग मतलब वहाँ से लौट गए कार्रवाई करे बिना ही, तो जिसके विरोध स्वरूप हम लोगों ने यहाँ आज ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय और SP साहब को। और SP साहब ने और कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया कि इसके ऊपर तुरंत ही कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई अगर नहीं की तो क्या क्या किया जाएगा संगठन द्वारा? यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारे पत्रकार क्रांति संघ द्वारा यहाँ पर उग्र आंदोलन करे जाएगा, प्रदर्शन करेंगे और अलग अलग तरीके से हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं उमेश जंगाले, पत्रकार क्रांति संघ,